नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को तो गए हुए लगभग 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन दो महिलाएं, मैं बात कर रहा हूं रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे की, मीडिया में ये खबरें आती हैं बार बार कि अब इन लोगों ने अपने अपने दुनिया अलग कर लिए हैं, अब इन्हें कोई चिंता नहीं है और अब ये अपनी दुनिया में खुश हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती की फ़ोटो आती है न्यूज़पेपर में, कई सारे वेबसाइट्स पे, और ये बताया जाता है कि रिया चक्रवर्ती आप अपने आप को अलग तरीके से पेश कर रही हैं और उनकी अलग दुनिया है। और दूसरी बात कर रहा हूँ अंकिता लोखंडे की, अंकिता लोखंडे ने शादी करके अब उसके बाद उनकी भी खबरें आती हैं कि उनका ये हनीमून हो रहा है, उनका ये बोल्ड फोटो हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी खबरें आती हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों लोगों ने पीआर एजेंसी को हायर करके और जानबूझ करके ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं आम जनता को और ख़ास करके सुशांत के फैंस को, जो कि ये समझ जाए कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है और ये लोग अपने जीवन में वापस आ चुके हैं। और इसीलिए ये सारा गेम होता है पीआर एजेंसी के द्वारा, और पीआर एजेंसी का ये काम होता है कि कैसे आपके जो इमेज है उसको बिल्डअप करना है, कैसे आपकी इमेज को अच्छा बनाना है। अगर इमेज आपकी डाउन हो चुकी है, गलत रास्ते पे है, तो उस इमेज को आम पब्लिक में अलग अलग तरीके से, सोशल मीडिया हो या नॉर्मल हो, उसमें उसको बिल्ड किया जाता है, अच्छे तरीके से बनाया जाता है। और इस काम को बखूबी दोनों लोग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पीआर एजेंसियों को अच्छे तरीके से हायर करके उन्हें समझा बुझा दिया है कि हमेशा हमारी अच्छी तस्वीरें छापो, हमेशा हमारे बारे में पॉजिटिव खबरें छापो, क्योंकि हमें अब सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका मामला है। और इसी में आज जो खबर आई है वो ये है कि अंकिता लोखंडे, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस, ये जो लाइन है, ये लाइन से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लाइन जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है कि ये पहचान कि मोहताज नहीं है, इनको हर कोई जानता है। ये सारी चीज़ें पीआर एजेंसी का स्टंट होता है और उन लोगों का ये बिल्कुल ही टारगेट है कि इन दोनों की इमेज को सेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों के काम निकल चुके हैं। दोनों का जो टारगेट था कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आना है, सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म करना है और उसके बाद अपनी कहानी स्टार्ट करनी है, और इसी कड़ी में ये दोनों लोग अपने अपने को सक्सेस मानते हुए अब अपने अलग रास्ते चुन लिए हैं, और उन रास्तों पे चलने के लिए इन्होंने पीआर एजेंसी को हायर किया है। और इसे ही कहते हैं मतलबी दुनिया, मतलब निकल गया तो फिर हम अपनी दुनिया में कायम हैं और अपनी खुशी में कायम हैं, यही होता है। खैर चलिए, जय हिंद जय भारत।